नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश खारो आप सभी दोस्तों का शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रैक्टर के हर प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन बताया जाता है और जानकारी प्रदान की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये फार्म 33 ट्रैक्टर है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही, लिफ्ट प्रॉपरली उठ नहीं रही है और जो लॉड पर है लेफ्ट धीरे धीरे उठ रही है, झटके खा रहे उठने में। ये भी चेक करेंगे दोस्तों, ये भी उठ रहे, देखिए दोस्तों धीरे धीरे झटके के साथ उठ रही है और धीरे धीरे उठ रही है। तो इसके लिए हमें इसके हाइड्रोलिक फिल्टर को चेक करना पड़ेगा, शायद वो चौक हो गया होगा। अगर उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हमें इसके हाइड्रोलिक पम्प को चेंज करना पड़ेगा और उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसीलिए ये लेफ्ट झटके खा रही है। तो देखते दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये भी एपोक को चेक करके बताया। देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे झटके खाकर उठ रही है लेफ्ट, यही प्रॉब्लम हुई है। तो हमें पहले हाइड्रोलिक फिल्टर को चेंज करना पड़ेगा और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। अगर वो चौक हुआ होगा तो भी ये दिक्कत आ सकती है, ऑयल की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, उस वजह से ये दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो हम प्राइमरी में हाइड्रोलिक फिल्टर को चेंज करेंगे और एयर निकालेंगे, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हमें हाइड्रोलिक पंप को चेंज नहीं करना पड़े। ये पूरा बताया जा रहा है दोस्तों, इसको घुमा कर ये सब दिक्कत आ रही है। ट्रॉली पर भी दिक्कत आ रही थी, लोन कम ले रहा था लिफ्ट, तो हमें तो अभी हाइड्रोलिक फिल्टर को अभी चेंज करेंगे अपन। ये वाला हाइड्रोलिक फिल्टर है, अभी हमारे मिस्त्री जी खोल लेंगे और फिर हम अपने ही फर्म शाकंभरी ऑटोमोबाइल से नया वाला हाइड्रोलिक फिल्टर लेकर आएंगे और वो लगाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन में मिलता रहे और बेल आइकन को दबा ले। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर ले और शेयर भी कर ले, ताकि हमें और भी नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें उत्साह देता है नए वीडियो बनाने के लिए। ये भी हाइड्रोलिक फिल्टर खोल लिया गया है, ये देखिए दोस्तों हमारे मिस्त्री जी खोलते हुए, और उसको अभी बताएंगे क्या कंडीशन है, उसको चेंज करना पड़ेगा तो करेंगे। और दिक्कत हमें लग रहा है इसी में आई है, हाइड्रोलिक फिल्टर ही चौक हुआ है, उसी वजह से ऑयल की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी लेफ्ट ऑयल की, और लेफ्ट में दिक्कत आ रही थी, वो झटके खाकर उठ रही थी। तो अभी अपन देख लेंगे कहाँ प्रॉब्लम आई है। अभी ऑयल को निकालते हुए पूरा फिल्टर से वापस नए वाले फिल्टर में लगा लेंगे। दोस्तों ये फिल्टर में ही प्रॉब्लम आई है, चौक हो गया था अंदर से, पूरा बताएंगे। ये दोस्तों अंदर से चौक हो गया था, इसलिए हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी अपन शॉप के अंदर चलते हैं। ये आ गया अपन शॉप के अंदर, ये ऑयल फिल्टर हाइड्रोलिक है, इसके पार्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। माइको बॉश का अपन डालेंगे, 250 MRP है। तो वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है दोस्तों, अभी इसको बाहर निकाल के बताएंगे आपको किस तरह का। ये भी खोल लिया है दोस्तों, ये हाइड्रोलिक फिल्टर, अभी इसको रिप्लेस करेंगे पुराने वाले हाइड्रोलिक फिल्टर की जगह। ये दोस्तों माइको बॉश का जेन्युइन ही डालना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे ट्रैक्टर संबंधित हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम। तो ये अभी नए वाला फिल्टर को लगाते हुए हमारे मिस्त्री जी अब इसके अंदर ये सारा ऑयल डाल देंगे वापस फिल्टर के अंदर, और जो निकला था तो फिर इसको वापस लगा देंगे। तो ऑयल डालते हुए और अभी इसको लगा देंगे, देखते हैं फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं। इसको लगाकर हम इस ट्रैक्टर की एयर को निकाल लेंगे हाइड्रोलिक पाइप से, और फिर हम लिफ्ट को चेक करेंगे वापस, और उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि फिल्टर ही चौक था, जो हमें प्रॉब्लम मिल चुकी थी, जो मेन दिक्कत हो रही थी वही, उसी कारण से लिफ्ट प्रॉपरली उठ नहीं रही थी। अभी आपको चेक करके बताएंगे वापस दोस्तों किस तरह हमारी लिफ्ट
वापस सही तरीके से उड़ रही है लोड पर स्मूथली, पूरा बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके कि अगर ट्रैक्टर की लेफ्ट पूरी तरह नहीं उड़ रही तो क्या दिक्कत हो सकती है। हमारे किसान भाई घर पर भी ऐसा कर सकता है, डायरेक्टली डाइवट्री पंप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहले हमको प्राइमरी फिल्टर को चेक करना चाहिए ताकि हमारे किसान भाई का बड़ा नुकसान ना हो सके। तो ध्यान रखें, ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए ताकि वो इस तरह बेफजूल खर्चे से बच सके। ये इस तरह के प्रॉब्लम हो तो पहले हाइड्रोलिक फिल्टर को ही चेक करें और चेंज करें और एयर जरूर निकाल लेनी चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। डायरेक्ट हाइड्रोलिक पंप को ही चेंज नहीं करवाना चाहिए, ये ध्यान देने की बात है दोस्तों हमारे किसान भाइयों के लिए। मोस्ट प्रॉपरली ये भी एयर निकालते हुए जो हाइड्रोलिक पाइप है नीचे ट्रैक्टर के, वहाँ से एयर निकालते हुए दोस्तों जो वीडियो में अच्छी तरह दिख रहा है। फिर अभी हाइड्रोलिक फिल्टर लग चुका है तो अभी अपन चेक करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, पूरी तरह स्मूथली उठ ली है लेफ्ट, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डाउट पंप की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोलिक पंप की ज़रूरत नहीं है, तो ये खर्चा अपना बच गया है दोस्तों। क्योंकि हाइड्रोलिक फिल्टर चौक होने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और हमने केवल हाइड्रोलिक फिल्टर ही चेंज किया और ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से उठ रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे और कमेंट में बता दे कि कैसा लगा हमारा वीडियो। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए, प्रेरणा देता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, लेकिन अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से ये घूम भी रही है लेफ्ट। जो प्रॉब्लम हो रही थी हमारे किसान भाई की वो सॉल्व हो चुकी है और हमारे किसान भाई संतुष्ट हो चुके हैं हमारे इस काम से। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो गई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज हमने फार्मटेक की जो लेफ्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर ली थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इससे वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन फिर नए किसी टॉपिक के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, धन्यवाद।